हेलो दोस्तों, कैमरा तो आपके फोन में सभी के पास होगा। जो भी जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं सभी में कैमरा होता है। इस कैमरे से हम कैसे यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये पूरा ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब उसका आजकल पूरा सिलेबस आ गया इंग्लिश मीडियम में, तो हमें पता नहीं चलता भी कैसे उसका आंसर क्या देना है, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है। और आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में, उसका आप कैमरा ऑन करो, जिस जो भी चीज़ें आपने देखनी है कैमरे से फोटो खींचो और ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा अपनी ऑन भाषा में। चाहे आप हिंदी आती है, चाहे बंगाली आती है, चाहे ऑल इंडिया की कोई भी भाषा है, उसमें उसको ट्रांसलेट कर देगा। कई बार फ्रेंड एक और प्रॉब्लम आती है, हम अदर स्टेट में चले जाते हैं, जैसे बंगाली साइड पंजाब में आ जाते हैं और पंजाब के लोग बाहर बंगाल साइड में साउथ साइड में चले जाते हैं, वहाँ बोर्ड पे लिखा होता है कुछ ना कुछ, हमें समझ नहीं आती। तो आप कैमरा को सामने करो उस चीज़ के जिस चीज़ को हमने देखना है, तो ये अपने आप ट्रांसलेट करके आपकी ओन भाषा में बता देगा भी ये क्या लिखा हुआ है। बड़ी काम की ट्रिक है फ्रेंड, बहुत मेहनत करके मैं ऐसी चीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपके पास कोई भी स्टेप मिस ना हो। और कैसे इसको इंस्टॉल करना है इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां से इंस्टॉल करके आप बड़ी ही इजी तरीके से अपना जो भी सेटअप है, जो भी ऐप है, उसको इंस्टॉल करो। और उससे आप क्या करना है, मतलब कि फोटो खींचो और ट्रांसलेट करो। चलो मिलते हैं वीडियो में। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जहाँ इसका ऐप का नाम है लेंस। इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इस वजह से ओपन का आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां जाके इंस्टॉल कर सकते हो, ये प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है। और जब हम इसको खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो ये वाली फोटो दिख रही है, ये पूरी फोटो वो वाली है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो जहां से आपने क्या करना है, आपने सिंपली कैमरे के ऊपर ओपन करना है, और जैसे ओपन कर लेगा तो आपके सामने ये बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। जहां से मैं कुछ भी एक बच्चे की बुक ले ली है, बुक से मैं कुछ भी एक ओपन करके दिखाता हूँ। मान लो भी ये पूरी इंग्लिश लिखी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रही जी क्या लिखा है, मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसको मैं फोटो ले लेता हूँ इसकी। जैसे फ्रेंड मैंने इसकी फोटो ले ली है, तो उसके सामने ये कुछ सर्च करना शुरू कर देगा। जहाँ से हम इसको अगर पढ़ना नहीं आता, तो जहाँ से हम लिसन पे करेंगे तो ये अपने आप बोलना शुरू कर देगा। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ इसकी वॉल्यूम अप करके, ये बोलना शुरू कर देगा। और उसके बाद अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट पे ओके करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ये देखो जहाँ पे भाषा लिखी हुई है, ये बंगाली भाषा में मैंने ट्रांसलेट की है। अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हो, तो जहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज देख लीजिए कहाँ पे है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल डाउन करते ही जैसे ये हिंदी आ जाएगा, अभी ये पूरा इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। अभी ये बंगाली आ चुकी है, अभी मैं इसको कर देता हूँ इंग्लिश और ट्रांसलेट कर देता हूँ। जहाँ पे बंगाली है ना, जहाँ पे मैं कर देता हूँ हिंदी, मतलब इंग्लिश टू हिंदी होगी ना, अभी ये ट्रांसलेट करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जय मेरा है, इट इज, ठीक है, दिस इज माई, ये मेरा है, इट इज कलर इज, इसका रंग है, इट हैज, जय है, आई कीप, मैं रखता हूँ, आई आल्सो कीप ए वाटर, मैं भी पानी रखता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के आप फोटो खींचो और उसको ये अपने आप ट्रांसलेट कर देगा। अगर इसको आप सुनना चाहते हो, तो जहाँ लिसन पे आप जिसकी भी फोटो खींचोगे, लिसन पे ओके करोगे, तो जो अपने आप मतलब कि बोलना शुरू कर देगा। अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता, ये बोल के भी दिखाएगा। जैसे मैं एक और इसकी फोटो खींच लेता हूँ, इसकी फोटो खींच के ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से आपको ये पूरी मैं फोटो ले नहीं पा रहा हूँ। आप इस तरह से फोटो फोटो ले लीजिए। जैसे फोटो ले लोगे, मान लो मैंने इसकी फोटो ले ली है, आपने वही करना है। सबसे पहले जहाँ से अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, इंग्लिश टू हिंदी करना है, ठीक है। उस तरीके से आप जो भी आपकी भाषा है जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, मान लो कि हिंदी है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जहाँ आपने हिंदी कर लेना, जहाँ आपने इंग्लिश कर लेना है, उसके बाद जहाँ पे आ जाएगा ये लिसन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप लिसन कर सकते हो। ये देखो आप सुन रहे हो फ्रेंड, तो इस तरीके से देखो, अभी इसको ये इंग्लिश में है, इसको इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, जहाँ से हम इसको सुन भी पा रहे हैं भी क्या चीज़ है ना, भी क्या बोल के भी पढ़ाएगा अगर हमको पढ़ना नहीं आता।
ठीक है फ्रेंड, इसमें और भी कुछ दिया गया है लेकिन सबका काम यही है। अगर इसको हम वेब में सर्च करना चाहते हैं भी, जी जी कहीं वेब पे नो नहीं है, तो इसको हम ये फोटो को करते हैं तो इसमें वेब रिजल्ट भी दे देगा भी ये क्या चीज़ है, गूगल पे किस नाम पे है, तो उस रिलेटिव ये देखो पूरी वीडियो बन जो भी है, फोटो वगैरह जिस लड़की की फोटो है और कहाँ कहाँ पे अपलोड है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखा देगा। बड़ी काम की ट्रिक है फ्रेंड। आप इस तरीके से जो बच्चे की भाषा है आजकल इंग्लिश हो गई है, उसको आप फोटो खींचो, फोटो खींचने के बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करिए और अपनी भाषा में बच्ची को समझा दीजिए भी इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसमें आपकी भी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, आपके बच्चे की भी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि आप बाहर जाते हो बोर्डों पे बहुत तरह की भाषा इंग्लिश लिखी होती है, हमें पता नहीं चलता इसमें क्या लिखा है। आप इस लेंस ये इस तरह का आइकॉन दिखाई देता है, आप जब भी इंस्टॉल करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और मजे लीजिए जिंदगी के। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में। बाय बाय।